नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट का, नॉर्थ ईस्ट की किचन का कोई इलाज नहीं, उसको भी तोड़ना पड़ता है या एटलीस्ट बर्नर को शिफ्ट करना पड़ता है। ये बात क्लियर है? नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट, नॉर्थ ईस्ट की किचन, नॉर्थ ईस्ट का सेप्टिक टैंक, ओवरहेड वाटर टैंक, जो भी मेजर वास्तु दोष अगर नॉर्थ ईस्ट में आता है उसको हटाना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है या शिफ्ट करना पड़ता है। सेम वे में ये जो एंट्रेंसेस मैंने आपको बताई S5, S6, S7, S8 और W1, इनको भी तोड़कर ही शिफ्ट किया जा सकता है। उसको अगर आप रेमेडी मानते हो देन यस इट्स अ रेमेडी। अगर आप ये मानते हो कि वो कंस्ट्रक्शनल चेंज है, वो रेमेडी नहीं हुई, तो इनका कंस्ट्रक्शनल चेंज ही किया जा सकता है। क्लियर? उसके बाद 16 दिशाएं हैं। एक बार मैं आप सभी लोगों को हर दिशा के गुणधर्म याद करवा देता हूं, यानी कि एट्रीब्यूट याद करवा देता हूं। थोड़ा बहुत होगा, अभी के लिए उसको रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दिशा के आगे उसका नाम या एट्रीब्यूट लिख लेना। किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो आपने ये देखना है कि उस व्यक्ति के उसी घर, उसी जगह पर घर में वो समस्या होगी। 16 दिशाएं मार्क कैसे करनी है, प्लान पे कैसे लगानी है, ये 8 सेशंस में डिटेल में बताया गया है, उसको जरूर देखना। यूट्यूब पर 8 सेशंस हैं। अभी आप सभी लोग भी ये मान लो कि आपके पास एक मैप होगा जिस पे 16 दिशाएं मार्क्ड लगी हुई है। कंपास लेके किसी के घर में सेंटर में जाकर खड़े होकर वास्तु नहीं करना। मैप बनाना है, सेंटर लेना है, ग्रिडिंग करनी है पहला प्रोसेस। उसके बाद जो हम आज आगे पढ़ने वाले हैं उसको अप्लाई करना है। पहला स्टेप है बेसिक वास्तु, जो अपने आप में पूर्ण है। किसी को भी ये ना लगे कि ये एक ग्लिम्प्स है। जैसे कल कोई मेरे पास आए थे, उन्होंने बोला कि आप कुछ कुछ ही तो दे रहे होंगे ना, ताकि लोग आपसे कंसल्टेशन ले लें या कोर्सेज में आ जाएं। ऐसा नहीं है, अपने आप में पूर्ण है, 100% है, और 90% यही काम करता है। उसके बाद का जो है वो बिजनेसेस को अपलिफ्ट करने के लिए, या आप प्रोफेशनल हो जाओ और आपको साइंसेस आ जाएं, इसलिए अपने घर को अच्छा करने के लिए 5-7-10 परिवारों का, रिश्तेदारों का भला करने के लिए मोर देन सफिशिएंट है, और अच्छी प्रैक्टिस इससे करी जा सकती है।